सो हेलो गाइज, वेलकम टू क्रिक क्रैक। दो तीन मेरे पास बहुत अहम अहम सवाल है आप लोगों के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी इस बार प्रैक्टिस के लिए चेपॉक में एक महीना पहले क्यों पहुंच गए? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के कौन से ऐसे साइंस देखने को मिले हैं जिससे ये समझ आ रहा है कि वो डेस्पेरेट है आईपीएल में एक बार फिर रनों की बौछार कर भारतीय टीम में वापस आने के लिए? और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी इस बार किस तरह से अपनी बल्लेबाजी में बदलाव करके आईपीएल में सुपर हिट होकर टीम इंडिया में फिट होना चाहते हैं? जी हां, ये कुछ सवाल है जिनका जवाब मैं आपको इस वीडियोस में दूंगा। आपको अगर जवाब पता है तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का इस बार चेपॉक में जो प्रैक्टिस है वो बदली बदली सी नजर आ रही है तो भी मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले आपको याद होगा निश्चित तौर पर कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के, देखिए चेन्नई ने अब तक जो है वो 11 सीजन, ये जो आने वाला सीजन है ये 11वां सीजन होगा। वैसे आईपीएल के 13 सीजन, ये वाला 13वां सीजन है, लेकिन जो 10 सीजन चेन्नई ने करे हैं, क्योंकि बाकी टीमें तो 12-12 सीजन खेल चुकी हैं, लेकिन चेन्नई क्योंकि 2 साल के लिए सस्पेंड हुई थी तो उससे इतर महेंद्र सिंह धोनी जब भी चेन्नई के कैंप से जुड़े कभी एक महीना पहले नहीं आए हैं। जो भी सारे हमारे क्रिक क्रैक की फैमिली में एमएसडीएंस हैं वो निश्चित तौर पर जानते होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी हफ्ते भर पहले 10 दिन पहले आते थे, चेन्नई के कैंप से जुड़ते थे, स्ट्रेट इनटू द प्रैक्टिस और धूंधां जो शॉट्स खेलते थे वो गजब के, और पब्लिक उनके लिए चिल्लाती थी निश्चित तौर पर। जो चेपॉक का क्राउड है वो पागल है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, पूरी तरह से दे आर क्रेजी फैंस। और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी स्ट्रेट इनटू द बिजनेस, आईपीएल शुरू हो जाता था। इस बार मुझे आप बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि महेंद्र सिंह धोनी एक महीना पहले, ऑलमोस्ट एक महीना पहले, 1 तारीख से चेपॉक में है, 29 को पहला मुकाबला खेला जाना है वानखेड़े स्टेडियम में, लेकिन 1 तारीख से महेंद्र सिंह धोनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच में होली आ रही है भैया। हालांकि होली के लिए वो वापस जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, होली परिवार के साथ ही मनाएंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे। यानी एक तरह से 2 कैंप हैं उनके, 2 शेड्यूल हैं उनके कैंप के, प्री होली पोस्ट होली। तो अब आप मुझे बताइए कि ये एक ऐसी तैयारी है महेंद्र सिंह धोनी की, क्योंकि याद कीजिए आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी ने खेला था वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद भारत जो है वो सेमीफाइनल में बाहर हो गया था। महेंद्र सिंह धोनी उसके बाद जो है टीम के साथ नहीं खेले, अब तक नहीं खेले। और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज जिसके लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ था वहां पे भी उसका उनका नाम नहीं है, यानी अब वो सीधे आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। तो आईपीएल में जब महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नजर आएंगे तो उन्होंने उससे पहले जो है वो प्रैक्टिस में पूरी जी जान झोंक दी है। बीसीसीआई के एक टॉप ऑफिशियल ने, अंदर की खबर बता रहा हूं आपको, बीसीसीआई के एक टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर आईपीएल में परफॉर्म करते हैं तभी टीम इंडिया में जगह मिलेगी। यही बात टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने भी कही थी कि भैया आईपीएल अच्छा जाएगा तो वर्ल्ड कप में जगह दी जाएगी। इसके अलावा लक्ष्मीपति बालाजी से बात हो रही थी, लक्ष्मीपति बालाजी ने क्या कहा जानते हैं आप? महेंद्र सिंह धोनी पहले से ज्यादा सुपरफिट होकर वापस आए हैं इस बार। यानी एक खिलाड़ी को आप बाहर कब करते हैं टीम से? जब या तो उसकी फॉर्म अच्छी ना हो, जब या उसकी फिटनेस अच्छी ना हो, या जब आपको लग रहा हो कि उससे बेहतर खिलाड़ी है हमारे पास। आपको पता है आपके पास महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर खिलाड़ी नहीं है। आपने केएल राहुल को मौका देकर देख लिया, आपने ऋषभ पंत को मौका देकर देख लिया, वो अपने लिहाज से बेहतर है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की जगह अभी वो नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, आप फॉर्म के लहाज से किसी खिलाड़ी को बाहर करते हैं। आपको पिछला आईपीएल याद है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन किसने बताए थे बताइए मुझे? महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए थे सबसे ज्यादा रन। और आप फिटनेस के लिहाज से किसी खिलाड़ी को बाहर करते हैं, आप दावे से कह सकते हैं, ये लोग तो, ये बात तो आप लोग भी कहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी का इस उम्र में भी फिटनेस पर कोई जवाब नहीं है। तो जब ये तीनों चीजों पर वो टिक लगा रहे हैं तो फिर आप कैसे उन्हें बाहर कर सकते हैं? और इसी वजह से लक्ष्मीपति बालाजी ने कहा है कि वो सुपर फिट है। अभी बीते दिनों उन्होंने प्रैक्टिस जो हो रही थी उसमें 5 छक्के लगाए, और जिस तरह से उन्होंने साई किशोर के ऊपर से वो छक्का लगाया, कसम से वो विंटेज धोनी था। मतलब जो आप कहते हैं ना कि कोई एक शॉट आप देख ले, जैसे सचिन तेंदुलकर का कवर ड्राइव है कभी पुराना नहीं लगता, राहुल द्रविड़ का स्ट्रेट ड्राइव है कभी पुराना नहीं लगता, युवराज सिंह का वो जो वो लॉफ्ट करते थे मिड विकेट के ऊपर से कभी पुराना नहीं लगता यार, वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी का वो मिड ऑन के ऊपर से छक्का है जो लॉन्ग ऑन पार करता हुआ जाता है वो कभी पुराना नहीं लगता, वो ऑलमोस्ट हमेशा विंटेज धोनी लगता है। तो एक महीने पहले उनका चेपॉक आना ये बताता है कि ही इज वेरी मच डेस्परेट टू प्रूव अ पॉइंट। हालांकि उन्हें अपने आप को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं ना जो उन पे सवाल उठाते हैं, मुझे उन लोगों से बड़ी नफरत है यार। महेंद्र सिंह जो धोनी जैसे खिलाड़ी पर आप सवाल मत उठाया कीजिए, इतना बड़ा लेजेंड खिलाड़ी है, इतना कुछ कर चुका है इस देश के लिए, तब भी आप उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उन लोगों को जवाब देंगे महेंद्र सिंह धोनी। और इसीलिए
तैयारी पूरी कर ली है उन्होंने, लंबे लंबे छक्के भी लगा रहे हैं, विकेट्स के बीच भी बहुत तेज दौड़ रहे हैं, खिलाड़ियों को सिखा भी रहे हैं, अंपायर की जगह पे खड़े होकर देख भी रहे हैं अपनी टीम को कि किस तरह से कौन गेंदबाजी कर रहा है। और जो नए नए आए, खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा पीयूष चावला का, उनसे बहुत देर तक बात की कि ये चेन्नई का कल्चर है, ऐसे गेंदबाजी करेंगे तो मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी टीम में खेलते हुए मजा आएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी इज लुकिंग ऑल सेट, पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं इस नए सीजन में रॉक करने के लिए। पिछले सीजन में जिस तरह से रन बनाए थे, अगर इस सीजन में भी वैसे ही रन बनाएंगे तो लिख कर ले लीजिए, बिल्कुल लिख कर ले लीजिए मुझसे कि वो टीम इंडिया में आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का एक महीना पहले चेपॉक में आना, ऑलमोस्ट एक महीना पहले चेपॉक में आना क्या इशारे करता है, किस ओर इशारे करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, MSDNs तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें अपनी राय भेज सके। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।